देखिए भाई आपने कथनी और करनी की बात कही, लेकिन डीपी जी कह रहे हैं आपको काम करने का मौका ही नहीं मिला इतने सालों से, लेकिन डीपी जी की 30 सेकंड में आप अपनी बात कहिए सर। आलोक भाई, भारतीय जनता पार्टी को जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। आज तक देश जानता है कि जब से इनका प्रादुर्भाव इनका जन्म हुआ है, जो भी ये कहते हैं देश से अपने मैनिफेस्टो में जो कहते हैं, सरकार में आने के बाद उससे मुकर करके फिर वही जो इनके जो आरएसएस के जो एजेंडे पे और जो वहां से नागपुर से इनको आदेशित होते हैं उसी पे काम करते हैं। हाँ। आज मैं श्रीधर पाठक जी का बड़ा सम्मान बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सारे डिबेटों में उनके साथ रहा हूँ, बहुत ही एक अच्छे विचारों के व्यक्ति धनी है। जो आज पता नहीं क्या हम आदरणीय पाठक जी में है कि पूरा वो भगवाकरण के पक्ष में खड़े हैं, तो हमें तो ये बहुत डर हो रहा है, मुझे तो बहुत डर हो रहा है, शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी इस खाकी की वर्दी को ये भगवाकरण कर दे तो ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकता है, कर सकती है देश को सत्ता पाने के लिए, क्योंकि 2019 का चुनाव अब निकट है, उसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी चलिए ये कैसी जल्दी से बस देखिए।